वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर HDP के फर्स्ट सेमेस्टर में पशु पोषण यानी एनिमल न्यूट्रिशन का फर्स्ट लेक्चर पशु पोषाहार बिंदु और उनकी परिभाषाएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि पशु पोषण जो सब्जेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी पशुओं के लिए न्यूट्रिशन की जो आवश्यकता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से उसका प्रोडक्शन रिलेटेड है और पशुओं को जीवन यापन के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इंजन, गाड़ी का जो इंजन है, मोटरसाइकिल का है, जीप का है, बस का है, उसको चलाने के लिए डीजल, पेट्रोल या कोयले आदि की, जैसे रेल चलती थी पहले तो कोयले से चलती थी, उसको हम जो है पेट्रोल, डीजल और कोयला जो है उसके इंजन के आहार के रूप में उपयोग होता है ना उसका, और यही पदार्थ जो है इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक इसी तरह पशुओं को जीवित रहने तथा उनके दैनिक जीवन की क्रियाओं को संचालित करने हेतु बायोलॉजिकल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बायोलॉजिकल, जैविक ऊर्जा जिसे बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा जो है आहार के द्वारा शरीर में ऑक्सीडेशन होने पर, यानी ऑक्सीडेशन जब आहार का होता है शरीर में तब प्राप्त होती है। पशु का आहार जो है वो ऐसे पौष्टिक तत्वों का बना होना चाहिए जिससे पशु को आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व पशु को मिल सके। ये सभी तत्व पशु को किसी एक चारे से प्राप्त नहीं हो सकते, अतः आहार में विभिन्न प्रकार के आहार के तत्वों का समावेश करना पड़ता है। अब इन सब की जानकारी जो है, ये जो पोषक तत्व है न्यूट्रिशन में जिन्हें हम पढ़ेंगे, ये इन सब की जानकारी सबसे पहले 1793 से 1794 में फ्रांस के वैज्ञानिक एंटोने लोरेंट लेवोजियर ने दी थी। लोरेंट लेवोजियर ने सबसे पहले इसकी जो पोषक तत्वों की जानकारी का समावेश जो भोजन में होता है उनकी जानकारी सबसे पहले इस वैज्ञानिक ने, फ्रांस के वैज्ञानिक ने दी थी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पोषण के बारे में जानकारी प्रदान की। और जो वैज्ञानिक था एंटोनी लोरेंट लेवोजियर, उन्होंने ये बताया कि बायोलॉजिकल दहन या ज्वलन ही ऑक्सीडेशन है। उपापचय क्या है? बायोलॉजिकल दहन, जो आहार का बायोलॉजिकल दहन होता है वही उपापचन या ऑक्सीडेशन है, तथा शरीर में श्वसन क्रिया यानी सांस की क्रिया एक प्रकार से कार्बन व हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से मिलन है। यानी ऑक्सीडेशन जो श्वसन क्रिया क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से मिलना है, जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। ये क्रिया जो है पशु के आहार व उसके कार्य पर निर्भर करती है। ये क्रिया किस पर निर्भर करती है? पशु के आहार और उसके कार्य पर निर्भर करती है। इसी वैज्ञानिक ने कौन से वैज्ञानिक ने, जो एंटोने लोरेंट लेवोजियर जो है फ्रांस का वैज्ञानिक था, इसी ने लाप्लेस वैज्ञानिक के साथ मिलकर एक कैलोरीमीटर नामक उपकरण से नाप कर बताया कि श्वसन से शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी जो श्वसन लेता है पशु उससे शरीर में उष्मा उत्पन्न होती है, तथा बतलाया कि जीवन एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी जो जीवन है, लाइफ है, वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसलिए एंटोने लोरेंट लोवेजियर को फादर ऑफ न्यूट्रिशन भी कहते हैं, यानी फादर ऑफ रासायनिक विज्ञान या फादर ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं किसको? वैज्ञानिक एंटोने लोरेंट लेवोजियर को। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने
पशु पोषण के बारे में बताया और किसको फादर ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब इसी प्रकार जो है 1987 यानी 1987 से 1958 में ये 1987 से 1858 में मोरिसन नामक वैज्ञानिक ने पशु के फीड्स एंड फीडिंग पर कार्य किया। पशुओं के फीड और फीडिंग यानी भोजन और भोजन को कैसे पचाते हैं उसके प्रकार किया, जो पुस्तक के रूप में सन 1936 में उसने एक पुस्तक छापी इसके बारे में। इसके बाद विभिन्न वैज्ञानिकों ने पशुओं को संतुलित आहार की तालिकाओं पर जो उनके जीवन निर्वाह वृद्धि प्रजनन कार्य उत्पादन आदि पर प्रकाश डालती है, यानी ऐसी बुक लिखी वैज्ञानिकों ने जो पशुओं के संतुलित आहार की तालिकाएं बनाई जिनमें जीवन निर्वाह वृद्धि प्रजनन कार्य उत्पादन आदि पर प्रकाश डालती है, यानी ये जो पोषण है ये पशुओं के जीवन निर्वाह के बारे में वृद्धि यानी उसके शरीर का डेवलपमेंट और उसके प्रजनन के काम में और कार्य पशु जो कार्य करता है वो प्लस उत्पादन इसके आगे प्रकाश डाला उन्होंने उस बुक में तथा उनकी आवश्यकताओं को बताया कि बाद में जिन्हें बाद में विभिन्न फीडिंग स्टैंडर्ड कहा गया, यानी ये जो तालिका बनाई पोषण के बारे में पशु पोषण के बारे में तालिकाएं बनाई कि किस पशु को काम करने के लिए या प्रजनन के लिए किस आहार की क्या मात्रा चाहिए ये उन्होंने मानक निर्धारित किया। मानक और उनके नाम थे मानक के थियर मानक कुल्फ लेहमेन मानक कुहन मानक और मोरिसन मानक और भारतीय मानक आदि। ये मानक हैं जो स्टैंडर्ड हैं जिससे पोषक तत्वों के चार्ट बनाए उन्होंने किस पशु को किस प्रकार का पोषक तत्व जो है काम करने के लिए क्या चाहिए, उसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, उसको प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, प्रजनन के लिए क्या चाहिए। अब पशु पोषण को जो पशु पोषण विज्ञान है जिसमें वो विज्ञान जिसमें पशुओं के पोषण के बारे में अध्ययन किया जाता है पोषक तत्वों के बारे में डाइजेशन के बारे में न्यूट्रिएंट के बारे में आवश्यकताओं उसको बोलते हैं पशु पोषण विज्ञान। तो अब पशु पोषण विज्ञान को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ शब्दावली जो है इसके में प्रयुक्त होती है उन शब्दावलियों के बारे में हमें ज्ञान होना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले उन शब्दावलियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाई उस शब्दावलियों का मतलब क्या है। जैसे भोजन यानी न्यूट्रिशन ये क्या होता है, ये कई रासायनिक क्रियाओं तथा क्रिया विज्ञान की प्रक्रिया है, यानी भोजन जो है या न्यूट्रिशन जो है ये कई रासायनिक क्रियाओं और क्रिया विज्ञान की प्रक्रिया है, यानी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे भोजन पशु के ऊतकों तक पहुंचता है, यानी भोजन जो पशु खाता है वो उसके टिश्यूज तक पहुंचता है तथा वहाँ क्रियाएं भी होती है, मतलब टिश्यूज में जब भोजन के पोषक तत्व पहुँचते हैं वहाँ क्रियाएं होती है। जैसे पशु को भोजन के द्वारा तत्वों का मिलना, भोजन का पचाना, सबसे पहले भोजन खाएगा फिर उससे उसको तत्व मिलेंगे फिर उनको पचाएगा भोजन को और फिर उसका अवशोषण करना यानी भोजन को अब्जॉर्व करेगा शरीर में और उसको शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और उसके बाद में जो अनुपयोगी तत्व बचते हैं जो वेस्ट मटेरियल बचता है उनको उपापचयन में उत्पन्न ताज़ा पदार्थों आदि को यानी जो उपापचयन के बाद में वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, तत्पश्चात शरीर की ये काम करने के बाद में शरीर की वृद्धि करना और उत्पादन बढ़ाना आदि काम है होते हैं। तो ये भोजन की परिभाषा है, न्यूट्रिशन की परिभाषा है, ठीक है। अब आता है भूसा क्या है। भूसा यानी इसको भूसा को स्ट्रा बोलते हैं, STRAW स्ट्रा भी बोलते हैं। भूसा जो है वो जौ और गेहूं के तने के बारीक छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसे स्थानीय भाषा में तूड़ी बोलते हैं, यानी जब गेहूं और जौ की फसल कट जाती है तो जो बाड़ी जो है दाने वाली बाड़ी उसको अलग कर लेते हैं या उसके दाने निकाल लेते हैं, जो बाद में जो भूसा बचता है उसको भूसा या स्ट्रा बोलते हैं या अपनी लोकल भाषा में उसको तूड़ी बोलते हैं। अब इस भूसे में या तूड़ी में डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन
यानी पाचक कच्चा प्रोटीन, पचने वाला जो कच्चा प्रोटीन होता है वो इसमें शून्य होता है, यानी जो तुड़ी या भूसा जो है उसमें DCP यानी पाचक कच्चा प्रोटीन जो है शून्य के बराबर होता है, और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट यानी कुल पाचक तत्व जो है, जो पचने वाले तत्व है कुल जो शरीर में काम में आते हैं, वो 40% होते हैं। वो कितने होते हैं? 40% होते हैं। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तुड़ी में DCP यानी डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन कितनी होती है, तो आप लिखोगे वो 0% होती है, और TDN यानी टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट यानी कुल पाचक तत्व जो है, ये आपको आगे परिभाषा बताऊंगा मैं कुल पाचक तत्व क्या होते हैं और डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन क्या होते हैं। तो इसे जिसमें कुल पाचक तत्व 40% होते हैं वो होती है तुड़ी या उसको भूसा बोलते हैं। उसके बाद में आता है ब्राउजिंग। ब्राउजिंग जो है BROWSING, ब्राउजिंग टर्म जो है ये बकरी के लिए काम में आती है। बकरी जब झाड़ी वगैरह को, झाड़ियों पे बकरी चरती है ना झाड़ियाँ, तो बकरी जो है अपने पीछे वाले पैरों पे खड़े हो जाती है और आगे वाले पैर जो है वो झाड़ी पे लगा लेती है, और छोटे तने, छोटी छोटी पत्तियाँ, फूल व फल आदि जो झाड़ी पे लगे होते हैं उनको वो है होठों से और दांतों से चूंट चूंट कर बकरी खाती है। आपने बकरी को चरते हुए देखा होगा, तो इस प्रक्रिया को ब्राउजिंग बोलते हैं। बकरी जब झाड़ी के ऊपर आगे वाले तने पे अपने दोनों पैर जो है ऊपर रख लेती है, पीछे वाले पैरों पर खड़ी रहती है, फिर उसके जो पत्तियाँ होती है या उसके जो डंठल है छोटे छोटे या उसके फल फूल है उनको जब चूंट चूंट के होठ से और दांतों से खाती है, तो उस क्रिया को बोलते हैं ब्राउजिंग। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद करने वाली परिभाषा याद करनी है आपको ब्राउजिंग की। फिर आता है चोकर। चोकर को ब्रान बोलते हैं और अपनी भाषा में इसको छाणस बोलते हैं। जो छाणस होता है ना, जो जब अपने गेहूं का आटा छानते हैं और जो पीछे जो चोकर होता है ब्रान जिसे बोलते हैं, अपनी भाषा में उसको छाणस बोलते हैं, उसको चोकर या ब्रान बोलते हैं। ये दाने का बाहर का शुष्क आवरण है, यानी दाना जो होता है गेहूं का, जौ का, उसका जो बाहरी आवरण होता है शुष्क आवरण वो होता है चोकर। इसमें 12% डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन होता है। देखो पहले जो हमने पढ़ा भूसा, भूसे के अंदर यानी तुड़ी में डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन 0% होता है, जबकि चोकर के अंदर ये 12% होता है, और टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जो है वो 67% होते हैं, और इसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। यानी चोकर की अगर आप परिभाषा लिखोगे तो आप लिखोगे कि ये दाने का बाह्य शुष्क आवरण है और इसमें 12% DCP डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन और 67% टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट यानी कुल पाचक तत्व, और इसमें फास्फोरस तत्वों की मात्रा अधिक होती है, तथा ये क्या है नेचर में दस्तावर होता है। जब अगर आप किसी पशु को छाणस खिलाते हो तो वो उसको कब्जी नहीं रहती, यानी अगर पशु को कब्जी है तो आप उसको छाणस जो है वो फीड में मिला के खिलाओगे तो पशु को कब्जी नहीं रहेगी। इसे स्थानीय भाषा में चापड़ भी कहते हैं, अपनी भाषा में तो इसको छाणस कहते हैं लेकिन इसको हिंदी में स्थानीय भाषा में चापड़ बोलते हैं, या इसको तुस भी बोलते हैं, तुस भी बोलते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी। फिर आता है खड़। खड़ यानी केक। केक का मतलब क्या है? खड़ जो है किसी बीज का तेल निकालने के बाद में जो शेष पदार्थ, दबाव के द्वारा तेल निकालते हैं ना, दबा के किसी चीज़ को, तो बाद में जो तेल निकलने के बाद में जो पदार्थ दबाव के द्वारा चपटी पट्टी सी बन जाती है उसे खड़ कहते हैं। जैसे गेहूँ आपके सरसों की खड़ है, तिल की खड़ है, अरंडी की खड़ है, बिनोड़े की खड़ है, उनमें से तेल निकाल लेते हैं घाणी में पीस के, फिर जो पपड़ी बचती है ना उसको बोलते हैं खड़ या केक। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तथा ये पशुओं के खाने के काम आती है। उदाहरण के लिए सरसों की खड़ है, तिल की है, मूंगफली आदि खड़ है, अरंडी की खड़ है, तो ये कई प्रकार की खड़ होती है, तो खड़ आप लोग जानते हो। उसके बाद में फिर आता है अनाज, सीरियल्स। सीरियल्स क्या है? अन्न के दाने। सीरियल का मतलब है अन्न के दाने जिसमें स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है, स्टार्च जिसमें ज़्यादा होता है, और इसमें विशेष उपयोगी प्रोटीन तथा विटामिन्स होते हैं।
यानी सबसे ज़्यादा मात्रा स्टार्च की होती है धान में, ये सीरियल्स में, यानी अनाज जिसे बोलते हैं, और उपयोगी प्रोटीन और विटामिन्स भी होते हैं। ये मनुष्यों के साथ साथ पशुओं को खिलाने के भी काम आते हैं। अनाज कहते हैं, अनाज का मतलब है जो गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार आदि। और सबसे पहले परिभाषा ये है कि आप ये जिस धान को, जैसे गेहूं है, बाजरा है, उनको अगर आप किसी चीज़ से तोड़ोगे ना तो उसके कई टुकड़े हो जाएंगे, कई टुकड़े हो जाएंगे, यानी दो टुकड़े नहीं होंगे, उसके कई टुकड़े होंगे, वो धान होता है। और जिसके दो टुकड़े हो जाते हैं वो दाल होती है, पल्सेस। तो ये तो हो गया अनाज के बारे में। फिर आता है दाना। दाना किसे बोलते हैं? कंसंट्रेट, यानी सभी प्रकार के खाद्य बीज जो है, खाने वाले बीज इस श्रेणी में आते हैं। इन्हें सांद्र आहार अथवा बांटा भी कहते हैं, इनको बांटा भी कहते हैं, सांद्र आहार भी कहते हैं। दाने में क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण तथा विटामिन आदि की प्रचुर मात्रा होती है। यानी दाना जो होता है, पशुओं को दाना खिलाते हैं, बांटा जिसे बोलते हैं, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट, लवण तथा विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं, तथा क्रूड फाइबर की मात्रा, रेशा जिसे बोलते हैं, क्रूड फाइबर, ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा क्रूड फाइबर क्या होता है, कि मात्रा जो है वो कम होती है। दाने में क्रूड फाइबर की मात्रा कम होती है, जो भूसा था ना पहले उसमें क्रूड फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। और दाने में स्टार्च अधिक होता है। दाने में क्या होता है? अधिक स्टार्च अधिक होता है। तो ये कुछ न्यूट्रिशन में कुछ शब्दावलियाँ थी जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। आगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें जो बची हुई शब्दावली हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।